हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नंदिनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हर दिन आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते होंगे, मे भी कुछ लोग वॉच करते ही होंगे, और जैसा कि हर दिन मेरा जो वीडियो है वो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ होता है, तो आज का भी टॉपिक जो है वो मेडिकल लाइन से जुड़ा ही है, मतलब आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को लेके, कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं किसी पर्सन में तो उसमें हमारी क्या रोल हो सकती है, और अगर एज अ पेशेंट हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये आज हम दोनों टॉपिक जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक भी है, हेल्पफुल वीडियो भी है। उसके पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आप तक पहुँचेंगी और आप उसे देख पाओगे एंड अपना नॉलेज गेन कर पाओगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके। तो पहले हम जो क्राइटेरिया, पहले जो कंडीशन है, हम बात करते हैं कि अगर हम एज अ स्टाफ या एज अ डॉक्टर, मेडिकल एसोसिएट जो भी, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसा कि अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा पेरिसिस मशीन, एक प्लाज्मा पेरिसिस मशीन के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है और आपको आइडिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक होगी, वहां से आप लोग जरूर देख लेना। तो प्लाज्मा पेरिसिस मशीन जो है वो हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देती है। जैसे हमारे ब्लड में, होल ब्लड में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, ये सबको सबको डिफ्रेंशिएट कर देती है और हमें पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रांसफ्यूज कर पाते हैं। तो इसमें जैसे पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं एंड क्रायोप्रिसिपिटेट ट्रांसफ्यूट कर सकते हैं। क्रायोप्रिसिपिटेट मतलब होता है ब्लड के फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में। तो हम बात करते हैं, अगर हम पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो हमें एज ए स्टाफ हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। तो हमारे पास अगर कोई पेशेंट है, उसकी सीबीसी अगर 7 to 8 ग्राम पर डीएल से कम है, 7 to 8 ग्राम पर डीएल से अगर उसका ब्लड जो है वो लेस देन है, उससे कम है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की, ठीक है। और वैसे तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और हमें भी ध्यान रखना होता है कि कभी कभी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर नहीं ध्यान रखते या छूट जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, यानी कि उसका एच भी डाउन है, ठीक है। तो हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कभी किसी पेशेंट में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो वो मेनली 2 to 4 आवर में कंप्लीट ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए, हमें डिले नहीं करना है या फास्टली ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। और फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये भी बताऊंगी, और डिले के क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये भी बताऊंगी। तो जैसे अब पहले हम बात करते हैं कि जो 1 यूनिट ब्लड होता है उसमें 180 ml, 1 यूनिट ब्लड में 180 ml आरबीसी प्रेजेंट होता है, एंड बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें डेक्सट्रोज एंड एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम, अगर किसी पेशेंट में हमने ब्लड को फास्ट ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे एज एक्सपीरियंस तो पता ही होगा कि अगर हम ब्लड बैंक से ब्लड को रिसीव करते हैं तो ब्लड का टेम्परेचर बहुत ही कूल होता है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से, और पेशेंट का जो नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर है वो अलग होता है हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, तो उसमें पेशेंट को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि ठंडा ब्लड जो है वो अगर पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो गया तो वो कार्डियक अरेथमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें ब्लड को फास्टली ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, एंड दूसरी चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमने ब्लड बैंक से ब्लड को रिसीव किया तो एज सुन एज पॉसिबल हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है, बट वहाँ पे हम एज सुन एज पॉसिबल नहीं कर सकते, बिकॉज ब्लड का तो टेम्परेचर कूल है, ठंडा है, तो हम नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते, इसलिए हमें वो ब्लड वार्मर का यूज़ करना है। जी हाँ, आपने शायद बहुत सारे जगह पे यूज़ नहीं होता होगा ब्लड वार्मर, बट अगर हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की बात करें, किसी ऐसे हॉस्पिटल की बात करें जो कि काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ब्लड वार्मर होता है। ये ब्लड वार्मर क्या करेगा, जैसे हमने ब्लड रिसीव किया तो सबसे पहले तो जो भी जीडीए है या जिसके भी थ्रू हमें ब्लड को ब्लड बैंक से हमारे तक आ रहा है, यानी कि एज अ स्टाफ या मेडिकल लाइन जो भी स्टाफ है उन तक आ रहा है, तो हमें वहाँ पे अपने जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चेक कराने हैं, डॉक्टर से कराने हैं,
एंड उसके बाद ब्लड को ब्लड वार्मर में रखना है, उसे टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है, देन जिससे कि कम से कम पेशेंट को टाइम लगा, वो ब्लड क्या है, ब्लड बैंक के बाद कई जगह पे गया नहीं, कई लोगों के हाथ में टच नहीं हुआ, बैग्स जो है वो इन्फेक्टेड नहीं हुए, और अगर बैग इन्फेक्टेड नहीं हुए तो ब्लड भी इन्फेक्शन से बचा होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और 30 मिनट के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर हमें पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एंड थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो हम अगर डिलेड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड आया हमारे पास पड़ा है बट हमें आइडिया नहीं है, जीडीए ने जैसे जो भी है वहाँ पे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जिसने हमें नहीं बताया कि ब्लड लाके रखा है और हमें आइडिया नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड रखे रखे बहुत टाइम से वो इन्फेक्शन उस पर हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, और डिलेड हो गया तो ब्लड हमने क्या किया, हम एक तो रिसीव भी लेट किए, मतलब हमने ट्रांसफ्यूज के लिए भी लेट गया, और हम जहाँ पे 2 to 4 आवर में हमें कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूज करना था वहाँ हमने टाइम ले लिया 6 to 8 आवर का। तो ये क्या करेगा, अब सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है, जैसे बहुत टाइम से वो टंगा है ब्लड पे, पैकेट्स पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उस पर टच करेंगे, या सारी चीजें इन्वायरमेंट के थ्रू जो गंदगी होती है वो उस पर आएंगी, तो वो सेप्टिसीमिया कॉज करेंगे पेशेंट के अंदर, यानी ब्लड में इन्फेक्शन को हम कहते हैं सेप्टिसीमिया। ठीक है, तो हमें फास्टली ट्रांसफ्यूज भी नहीं करना है, डिले भी ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, और हमें ब्लड वार्मर का यूज करना है ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। और जब भी हम जैसे ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो हमने जब हमारे हाथ में जब ब्लड का पैकेज से पीआरबीसी आया, पैक्ड रेड ब्लड सेल आया, तो हमें वहाँ ये देखना है इसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, उसका कब वो कब लिया गया, कब से रखा गया है ब्लड बैंक में, हमें ये चेक करना है। जैसे 1 पीआरबीसी जो है वो 32 to 42 डेज तक वैलिड होती है, उसके बाद अगर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वो किसी काम की नहीं है, वो इनवैलिड मानी जाएगी। जैसे कि ऐसा मैं बताती हूँ क्यों या क्या रीज़न होता है, अगर हम 42 डेज के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज 42 डेज के बाद का पीआरबीसी किसी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिए, तो हमारी जो नॉर्मल आरबीसी का लाइफ साइकिल है वो 120 डेज का होता है, और 120 डेज के बाद जो है हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी बॉडी में, और वो स्प्लीन जो है, जो फैगोसाइटिक सेल होती है वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट पैक्ड रेड ब्लड सेल में क्या है, वहाँ तो कोई स्प्लीन नहीं है, कुछ नहीं है, बॉडी फंक्शंस भी नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड जो है वो हाइपरकैलेमिया, मतलब कि उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा पेशेंट के अंदर अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो हमें देखना है कि एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट है भी, वैलिड है भी या इनवैलिड है, और उसका टेम्परेचर जो ब्लड बैंक में उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ब्लड का, वो होता है -1 to 6 डिग्री सेल्सियस, -1 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका टेम्परेचर होता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि हम पेशेंट के पास गए, पेशेंट के वाइटल्स चेक कर रहे हैं क्योंकि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले, बिकॉज वाइटल साइन अगर नॉर्मल है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेशक अच्छा होगा, कोई उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे, तो हमें वाइटल्स चेक करना है, और अगर ऐसा हुआ कि वाइटल्स में कोई खराबी है, वाइटल्स एबनॉर्मल है, तो हमें वापस से उस जो बैग हमने रिसीव किया ब्लड का बैग, उसे वापस से ब्लड बैंक में भिजवा देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ नॉर्मल क्राइटेरिया पाते हैं, पेशेंट का वाइटल्स नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो हमें एक बार डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बताना है कि ब्लड उसका सही है, ब्लड जो भी हमने मैच कराया, डॉक्टर ने जो मैच कराया, आरएमओ जो ड्यूटी डॉक्टर होंगे, सब कुछ वैलिड है, एक्सपायरी डेट और उसकी जो टेम्परेचर वगैरह है वो भी मेंटेन कर लिया हमने, ब्लड को ब्लड वार्मर में रख रखा है, और हम चेक करते हैं कि ब्लड बैग का कलर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है ब्लड, उसमें ब्लड में क्लॉटिंग तो नहीं है, एंड ब्लड में ऐसे कोई एबनॉर्मल बबल्स तो नहीं बन रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, मतलब देखनी होती है, और नॉर्मल एबनॉर्मल के बीच का फर्क जानना होता है। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि वाइटल्स उसके नॉर्मल होने चाहिए, और एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी पेशेंट का कैनुला, अगर हमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो हमें उसको कैनुला जो है वो 18 गैस का लगाना है, उससे छोटा होगा तो ट्रांसफ्यूज होने में टाइम लगेगा, ब्लड को जाने में, पास होने में टाइम लगेगा,
और मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसका कैनुला साइड भी चेक करना है कि सही है या नहीं, लाइन जो है वो थ्रॉम्बस तो नहीं बन रखा है पेशेंट को, सारी चीज़ें जो सेप्टिक चीज़ें हैं मतलब प्रोसीजर जो है वो देखना है कि ठीक है कैनुला पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखनी हो हमें। हमारे पास कुछ इक्विपमेंट जो हमें ज़रूरी पड़ते हैं, जैसे ट्रांसफ्यूजन कंसर्ट पे सिग्नेचर होना चाहिए, पहले हम जो ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उस पर हम सिग्नेचर ले लें, हालांकि डॉक्टर करते हैं पर हमें आइडिया होना चाहिए कि ट्रांसफ्यूजन फॉर्म पे पेशेंट ने कंसर्ट पे साइन कर रखा है, और ब्लड वार्मर हमने हमें अपने पास रखना ही है, वाइटल्स मॉनिटरिंग हमें करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले, और प्रिस्क्राइब्ड ब्लड प्रोडक्ट जो कि जो डॉक्टर ने ब्लड प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब किया है वही हमारे पास होना चाहिए, जैसे उन्होंने पीआरबीसी कहा है तो पीआरबीसी होना चाहिए, प्लेटलेट बोला है तो प्लेटलेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पीआरबीसी कहा और हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एज ए स्टाफ हमें पता होना चाहिए कि हम अगर ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं ब्लड तो, एंड हमारे पास कुछ एनाफिलेक्टिक ड्रग्स भी होती हैं जैसे एविल हो गया, हाइड्रोकॉट हो गया, ये ड्रग भी हमें पेशेंट साइड अवेलेबल रखनी है कि क्या पता हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हों और उसे कोई एलर्जी हो तुरंत, तो फिर हम उसको तुरंत मैनेज करने के लिए हमें इधर उधर भागना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हो सकता है फार्मेसी से मंगाना पड़े, इन सब में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो हमें पेशेंट साइड कुछ एनाफाइलेक्टिक ड्रग भी अवेलेबल करा देने चाहिए पहले से। तो ये सारे तो पॉइंट्स थे हमारे जो हमने एज ए स्टाफ अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है तो उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या क्या चीज़ें देखनी होती है इसके बारे में। अब हम दूसरा पॉइंट जानते हैं कि अगर हम पेशेंट हैं या हमारी जो इस वक्त वीडियो वॉच कर रहा है अगर वो खुद कभी जा रहा होगा किसी हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूज कराने के लिए तो उसे क्या क्या सावधानियां रखनी होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब जैसे कि पेशेंट है वो अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहा है तो पहली चीज़ की अगर ब्लड से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी है तो उसे डॉक्टर को शेयर करना चाहिए, बेशक वो 1 ईयर प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉब्लम रहा हो या कभी भी रहा हो, कभी उससे पहले भी ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ हो, कोई कोई इससे रिएक्शन हुआ होगा पहले टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो जो भी चीज़ें हैं उसे डॉक्टर को बताना है, उसे हाइड नहीं करना है, अपनी ब्लड रिलेटेड हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर को बतानी है, मेडिकल स्टाफ को बताना है। ओके एंड सेकंड ये कि कभी जैसे उसे कोई प्रोसीजर नॉर्मली देख के ब्लड देख के ऐसे कभी ब्लीडिंग वगैरह किसी की देख के, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग की ब्लीडिंग देख के या ब्लड देख के उनको फोबिया होता है, डर लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी उनको बता देनी है कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, ताकि डॉक्टर जो है स्टाफ है वो पहले से कुछ प्रिकॉशंस ले सके उसके लिए। एंड दूसरी चीज़ की कभी उसे ऐसी कोई कभी एंजाइटी रही हो अपने हेल्थ को लेके तो सारी चीज़ें बतानी है जिससे उसकी काउंसलिंग कर सके डॉक्टर और उसकी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उससे देके उसकी एंजाइटी को डिक्रीज किया जा सके, एंड ओवरऑल जो भी हिस्ट्री है मतलब उसको डॉक्टर को बतानी है, छिपानी नहीं है। एज अ पेशेंट मैं बात कर रही हूँ, एज अ पेशेंट अगर मैं हूँ या कोई है जिसको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने जा रहा है इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है मतलब लग गया, तो ऐसा नहीं है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग रहा है तो वहाँ पे ही हमें याद आ रहा है कि हमें अब यूरिन पास करने जाना है, स्टूल पास करने जाना है, देन हमारी कुछ अर्जेंसी आ गई, ऐसा नहीं करना है। हमें वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो उसके पहले हमें सारे काम कर लेने हैं, और कम से कम टच करना है उस पार्ट को, कम से कम वहाँ पे गीला करना है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, वो सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है। आप सोचो कि ब्लड के थ्रू वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जा सकता है तो क्या मतलब होगा, आप ठीक होने आए थे बट आप और बीमार हो रहे हैं, आप कुछ और इलाज कराने आए थे, हीमोग्लोबिन का इलाज कराने आए थे बट आप यहाँ सेप्टिसीमिया लेके जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा नहीं करना, एक्टिविटी कुछ भी नहीं करनी जिससे कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कॉम्प्लिकेशन आ सके, प्रॉब्लम आ सके, बिकॉज उसे 2 to 4 आर के बीच खत्म भी होना है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके और चलो अब ठीक है, अगर ब्लड हमने कनेक्ट कर दिया, स्टाफ जो है वो ब्लड कनेक्ट कर दिए, तो वहाँ पे एज ए पेशेंट हमें ये भी देखना है कि जो फर्स्ट ड्रॉप जाएगी वो स्लो जानी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट तक की जो ड्रॉप्स आ रहे हैं हमारे आईवी लाइन में वो स्लो आने चाहिए, और इसी 15 मिनट में अगर कोई इन्फेक्शन होना होगा तो होगा, कोई भी अगर रिस्पॉन्स आएगा हमारे बॉडी में जैसे ब्लड के थ्रू या बोल सकते हैं कोई रिएक्शन होना होगा तो उसी 15 मिनट within 15 मिनट में ही आएगा, तो हमें इस 15 मिनट को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को देखना है कि कहीं चिल्स तो नहीं आ रही, मतलब ठंडी तो नहीं लग रही है, कभी चेस्ट पेन तो नहीं हो गया, कोई हमारे हाथ में रेसेस तो नहीं बन रहे हैं, जहाँ पे ब्लड चल रहा है वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं हो रखी है, फीवर तो नहीं आ गया, टैकीकार्डिया मतलब कि हमारा हार्ट रेट तो नहीं बढ़ गया, अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लग गया, वोमिटिंग फील हो रहा है और वोमिटिंग
कर भी दिया हो, ऐसा एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, मतलब पेट में या बॉडी के किसी एक पार्ट में ऐसा मरोड़ सी फील हो रही हो, ये सब नहीं हो रहा है। ये हमें एज अ पेशेंट हमें ध्यान रखना है कि हाँ ये सब तो नहीं हो रहा है। ये होगा तो हमें तुरंत मेडिकल स्टाफ को बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखना है। और उसके बाद अगर 15 मिनट तक आपके अंदर कोई भी ऐसे रिएक्शन, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी सिम्टम्स अगर नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सेफ हो, आप में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही तरीके से हो रहा है और आप आगे अब सेफ रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है एज अ पेशेंट, एंड एज अ स्टाफ मैंने जो पहले जो पॉइंट्स क्लियर कर दिए वो एज अ स्टाफ देखना होता है। तो ये थे आज की वीडियो में मेरा नॉलेज था ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके। आई होप वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल रहा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा कर सकती हूँ। और अगर आपको किसी चीज़ की नीड हो, किसी मेडिकल लाइन से कुछ भी जानने की नीड हो, तो आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट डे जरूर अपलोड करूंगी ताकि आप उस चीज़ अवेयर हो सके और आप जान सकें। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। बाय।